जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि सीटेट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ आप उसको 15 से 20 दिन की डेडिकेटेड प्रिपरेशन में भी क्लियर कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर हमें प्रीवियसली कुछ भी नहीं पता हो तो हम कर लेंगे वो पेपर क्लियर? अब यार, अगर आपको पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में और इन सब लोगों के बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है 15 दिन में एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, जो भी लोग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो लोग सीटेट के लिए अपेयर कर रहे हैं, अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि बीएड डीएलएड जो भी वो कर रहे हैं कॉलेज से जाते होंगे, तो बेसिक कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो तो कानों में गया होगा उनके, तो डेफिनेटली आप 15 दिन में उनको रिवाइज करके उन सब चीजों को ईजिली क्लियर कर सकते हो अपना सीटेट, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 15 डेज स्ट्रैटेजी। अब मैंने उस पर डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर पेपर की, यार प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही मेन एक तरीका है जिससे आप अपना स्कोर बहुत इंप्रूव कर सकते हो और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा एक लेकर के आ सकते हो रिजल्ट। अब उसमें काफी लोगों ने ये पूछा था कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, जिसमें कि मैंने बताया था कि आपको 20 से 40 पेपर्स तो मिल ही जाएंगे प्रीवियस ईयर के। सो आज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, वहां से आप सारे के सारे पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं वहीं का आपको लिंक दे रही हूँ, बट काफी लोगों को ढूंढने में क्योंकि दिक्कत आई थी तो मैं डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वहां का। एंड वहां से सारे के सारे आपको आंसर्स भी है जो उसके, वो आंसर की भी मिल जाएगी। अब आंसर की में आंसर ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा आंसर की में, सेट्स वगैरह होते हैं तो सेट्स वगैरह के हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है आंसर्स देखने में कि हमारे सेट का कौन सा आंसर है। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से कर जाते हो ना, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो मॉक टेस्ट लगाओगे जब। तो और काफी लोग ये भी पूछ रहे थे यस कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, टेस्ट बुक से दे सकते हो मॉक टेस्ट, टेस्ट बुक से नहीं दे सकते तो आपको मैंने क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं ना, क्वेश्चन पेपर्स से टाइमर लगाओ अपना और सॉल्व करो और आंसर की से आंसर देखो, आपको पता लग जाएगा आपका स्कोर क्या है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब यही होता है अपना चेक करना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ से करना है, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर उतने कर जाओगे, अगर आपके लास्ट के मान लो 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं एग्जाम में और रोज अगर आप एक या दो क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हो तो सोचो आपके 20-30 पेपर तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, और एक पेपर को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हो आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स करने हैं और किसको कितना टाइम देना है, या आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जो आपका सब्जेक्ट वीक है और जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है उस हिसाब से। बाकी सीटेट का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर, और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएंगे। बस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखना, डेडिकेटेड रहना, जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता आपने 10 दिन पढ़ा या 15 दिन पढ़ा या महीने भर से पढ़ रहे हो, जब जितना टाइम पढ़ रहे हो उतने टाइम डेडिकेटेडली पढ़ो। उस टाइम पर आप ऐसे फोकस होना चाहिए कि यार अब तो जो भी है इस पेपर को निकालना है, तो आपका डेफिनेटली पेपर निकलेगा। और एक पॉजिटिव होप रखो कि यार पेपर निकल जाएगा, मेहनत करेंगे जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देंगे अगर जरूरत पड़ी उसमें भी। ठीक है, सो या ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी सीटेट का एग्जाम जब आने वाला होगा 4-5 दिन पहले मैं आपको लास्ट मोमेंट टिप्स जो दूंगी उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्वेश्चन पेपर सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों जिसके लिए भी आप अपेयर कर रहे हो उसको एकदम अपना स्ट्रांग कर लो, और बाकी वीडियोज लेक्चर्स तो आपको काफी सारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, आप वो भी देखते रहिए। सो या गुड बाय।